You are watching Eyewitness, the Prince daily live feature covering the coronavirus pandemic. Every evening at 5 p.m., one or another of the Prince reporters is on the ground covering the COVID-19 and its impact on the people on the ground. Today, I'm joined with Jyoti Yadav, who's in India. She has been traveling across Uttar Pradesh the last several days. A couple of days ago, we talked to her in Narayanpur on the highway between Banaras and Ghazipur. This was in the hinterland of Banaras. And today she's in eastern UP, further east from Banaras, in Balia, in the heart of the city. Jyoti, tell me where you are. Aap ye kya location hai? Aap ye shahar ke andar hai? Ye kya hai? Ye jo building aapke piche hai? Ye kya hai? Bataiye aap thoda sa ke bare mein. Main jahan pe khadi hu, mere piche jila chikitsalaya hai. Aur yahan par aap बाहर काफी नंबर्स देख रहे होंगे, लोग हाँफते हाँफते हुए आ रहे हैं. और अंदर जो जैसे ही आप उस गेट के अंदर घुसते हैं तो वहां पर कम से कम 15 पेशेंट हैं जो फर्श पर लेटे हुए हैं, हाँफ रहे हैं. उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल 55-60 तक जा चुका है और वहां पर कोई उनको अटेंड करने वाला भी नहीं है. तो ये यहाँ के जिला चिकित्सालय की हालत है. डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 99% जो पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं they are having a fever, cough, और उनको breathlessness वाली problem आ रही है. वो इन्हें COVID का मान के ही treat कर रहे हैं. मेरे सामने अभी एक patient की death हो गई. उनको कोई attend करने वाला ही नहीं था. So viewers, we are please do send in your questions. Jyoti आपके सवालों का जवाब देंगी. Jyoti, जो आप कह रही हैं कि जो जिला चिकित्सालय है, तो जो लोग आपके पीछे भी बैठे हैं, जो उनके वो ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं लोगों ने, हाँ, बिकॉज सम ऑफ देम आर अवेयर अबाउट दिस वायरस, सो दे आर टेकिंग प्रिकॉशंस कि वो फेस शील्ड भी लगा लें या फिर ग्लव्स भी पहन लें और मास्क लगाना शुरू कर दिया है. जैसे ही हमने पूरे सिटी में महामारी क्या है और ये क्या कर सकती है, यस, लास्ट 10 डेज में ये अवेयरनेस फैली है कि लोगों ने वायरस को सीरियसली लिया है. स्पेशली सिटी जो साइड है वो लोग मास्क लगा रहे हैं, कुछ कुछ लोग डबल मास्क भी लगा रहे हैं. तो एक जो पैनिक और जो दहशत है वो क्लियर है ऑन द ग्राउंड. तो ये जो लोग जो अपने रिलेटिव्स को जो ला रहे हैं चिकित्सालय में, तो कितने दिनों बाद आपकी बात हुई किसी से, उन्होंने कहा कि कितने दिनों बाद जो है पेशेंट आ रहा है, कितने दिनों से सिम्टम्स दिखा रहा है? तो अभी एक भूरा सिंह है, 50 ईयर ओल्ड है और उनको कल से उनको प्रॉब्लम हुई है, कल से. और आज उनकी हालत क्रिटिकल है कि उनको सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने एडमिट करने से मना कर दिया. तो इसलिए वो आखिरकार जिला चिकित्सालय आए हैं. लाचारगी है कि यहाँ भी उनका कोई सुनने वाला नहीं है. उन्हें डेस्परेटली एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है. आई ट्राइड हेल्पिंग देम कि अगर कुछ हो जाए तो ऑक्सीजन बहुत बड़ा मसला. प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने क्यों मना किया? जी, वो उन्होंने कहा कि ये क्रिटिकल है एंड वी विल नॉट बी एबल टू सेव हिम, सो प्लीज गो टू सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम रिस्क नहीं लेना चाहते. उनकी फैमिली ने ये मुझे बताया. उनके 23-year-old सन है दीपक और उनकी वाइफ है जो कि गिड़गिड़ा रहे हैं सबके सामने कि ऑक्सीजन दे दीजिए, ही विल नॉट सर्वाइव, बट अब भी नहीं हुआ है इंतजाम. तो कुछ लोगों ने बताया ज्योति की किस तरीके से कैसे हुआ ये जो कोविड, अगर ये मान के लोग चल रहे हैं कि हमको कोविड अब हो रहा है, हाँ जी, तो ये हाँ. क्या जो सिम्टम्स आ रहे हैं ब्रेथलेसनेस की, हाँ, या बाकी, तो कैसे हो रहा है उनको? जैसे भूरा सिंह के बगल में एक और महिला पेशेंट है, उनका 50 ऑक्सीजन लेवल है. उनको 4 दिन से बुखार था. फैमिली ने इंजेक्शन लगाया, बुखार उतर गया, फिर लगा दिया, आया तो इंजेक्शन से चल रहा था. बट आज इवेंचुअली उन्हें हॉस्पिटल आना ही पड़ा क्योंकि उनको जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी. एंड नाउ जो दो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, उनका डिलेमा ये है कि 50 वाले को बचाएं या 70 वाले को बचाएं या 45 वाले को बचाएं. तो कह रहे हैं कि जिसका 75-80 है वो कहीं और जाए क्योंकि 50 वाले को बचाना जरूरी है. तो उनका भी जो एक ओवरवर्क्ड है और उनका भी जो डिलेमा है वो भी समझने के, मतलब समझने वाली बात है कि वो किस किस पेशेंट को बचाएंगे यहाँ पर. तो इस चिकित्सालय में कितने डॉक्टर्स हैं? फिलहाल यहाँ पर कोई ऐसा अकाउंटेबल पर्सन नहीं है. सब आप किसी काउंटर पर जाइए, खाली पड़ा है. कहीं कहीं कोई कोई लोग मिल रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन पर बैठा. जी, बहुत सारे जो वार्ड्स है वो बंद कर दिए हैं कोविड के चक्कर में.
और यहाँ पर एक और अभी अभी हॉस्पिटल के भीतर एक और इंसिडेंट हुआ कि कोई मार पिटाई करके अपना सर फुड़वा के कोई पेशेंट यहाँ पर आया। तो डॉक्टर का और उस पेशेंट का आपस में जो है झगड़ा हो गया। डॉक्टर कह रहा है कि यहाँ 50 कोविड के पेशेंट हैं, आप ही कोविड ले जाएंगे, व्हाई डोंट यू गो आउटसाइड और कहीं बाहर छोटे हॉस्पिटल से अपनी पट्टी करवा लीजिए जो फर्स्ट एड है यहाँ पर। फिर वो पेशेंट ने कहा कि आपका वीडियो वायरल करा देंगे। तो हॉस्पिटल्स के भीतर बहुत ज्यादा क्योस है डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में, क्योंकि कोविड वाले को ट्रीट करेंगे या फिर जो नॉर्मल आ रहे हैं ओपीडी। ओपीडी यहाँ शट है, ओपीडी सब जगह बंद है, जितने भी जिला चिकित्सालय हम गए हैं वहाँ पे ओपीडी शट है फिलहाल। आपने किसी सरकारी अथॉरिटी से बात की हॉस्पिटल जी, के अलावा? सो यहाँ पर हॉस्पिटल में अभी तो सिर्फ डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि आप सीडीओ से बात करिए। सीएमओ जो है फिलहाल, फिलहाल रूरल इंडिया या फिर जो अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो अकाउंटेबल है, फर्स्ट अथॉरिटी वो है जो इस कोविड क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है, हॉस्पिटल बेड्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए या फिर जो भी कोविड के जो से जुड़ी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो सीएमओ पर है फिलहाल, और उसके बाद डीएम। तो हम सीएमओ से मिलते हैं और फिर उनसे हम पूछते हैं कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसा हो रहा है हॉस्पिटल में। दे आर ऑल्सो अवेयर कि ग्राउंड पे ये सब चल रहा है। नहीं तो उनका क्या रिएक्शन है जब उनको पता है कि क्या उनको पता है कि अब ये जी, कोविड जो है अभी छोटी शहरों में भी आ चुकी है? नो, दे एक्नॉलेज कि कोविड फैल चुका है, रूरल बेल्ट में भी फैल चुका है, बट दे डोंट गिव अस कोड्स ऑफिशियली बिकॉज उनको वो कैमरे पर नहीं बोलते हैं, बट अनऑफिशियली वो एडमिट कर रहे हैं कि ह्यूज नंबर हो चुके हैं रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में क्योंकि माइग्रेशन हुआ था। ये वाली स्टोरी हमने जौनपुर से की है, वो एक दो दिन में पब्लिश होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में कोविड किस तरह फैला। तो माइग्रेशन उसका बहुत बड़ा कारण है। होली के बाद माइग्रेशन, से कहाँ से माइग्रेशन हो रहा है? जी, तो होली के बाद से लास्ट 2 मंथ्स में इन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात से आए होली सेलिब्रेशन के लिए। फिर उसके बाद वो हार्वेस्टिंग के लिए भी आए इस इलाके में वापस अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट। और थर्ड वो जब लॉकडाउन लगाया दूसरे शहरों ने, सो उस पैनिक में भी वो लोग अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में आए। और जब वो ट्रेवल करके आए तो कोई उस वक्त गवर्नमेंट बहुत ढीली थी, कोई ट्रेसिंग नहीं थी, कोई टेस्टिंग नहीं थी, कोई स्क्रीनिंग नहीं थी, और उनको ऐसे ही गाँव में जाने दिया गया। जब वो गाँव में पहुंच गए हैं और अब कोरोना फैल चुका है तो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्ट्रगल कर रहा है कि उनको कैसे ट्रेस कैसे करेंगे, मतलब किसको आप, किसका सैंपल आप लेंगे और किसका सैंपल आप नहीं लेंगे, क्योंकि सैंपल किट्स जो है उनका भी बहुत जो है अभाव है। तो ज्योति मनोज आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हाउ आर द लोकल अथॉरिटीज हैंडलिंग द सिचुएशन। तो सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि लोग अपने अपने गांव में जा चुके हैं और कोई एक तरीके से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आप किसका ट्रेस करेंगे, किसका टेस्ट जी, लेंगे, किसका स्वाब लेंगे, तो फिर क्या किया जा रहा है? कोई मैसेजिंग जी अवेयरनेस के तौर पे क्या कर रही है अथॉरिटीज? जी सो फॉर एग्जाम्पल जौनपुर का केस लीजिए। जौनपुर एक एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है और बहुत ज्यादा माइग्रेशन है वहां से। वहां के डीएम कर रहे हैं कि उन्होंने गांव गांव में एक निगरानी समिति बनाई है। अब ये निगरानी समिति क्या करती है कि इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, इसमें लेखपाल होते हैं, इसमें आशा वर्कर्स होती हैं, इसमें जो गांव का जो पंचायत का जो मेंबर होता है वो सारे लोग इसका पार्ट होते हैं। सो दे आर कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन जो जो बाहर से आया है। किसी को फीवर है, कोई छुपा रहा है, उसको रिपोर्ट करना। अगर किसी को फीवर है तो उसको मेडिकल किट पहुंचाना, क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने एक मेडिकल किट प्रिपेयर कर ली है जिसमें उन्होंने विटामिन सी, जिंक ये सब रखे हैं जो कोविड की मेडिसिन हैं। तो जिसको भी इनिशियल फीवर आ रहा है 2 दिन, तो वो उसको उसी को वही किट दे रहे हैं कि यू आर कोविड पॉजिटिव, तो आप अपना ट्रीटमेंट जो है घर पे ही शुरू कर तो ये लीजिए। मान के चल रहे हैं कि अगर कोई फीवर के साथ आता है तो उसको कोविड है। हाँ, अब इन्होंने मान लिया है कि अगर 3-4 दिन से खांसी फीवर है तो आप सीधे आप ट्रीटमेंट करिए, कोविड का ट्रीटमेंट करिए। तो ऐसा बंटवाया जा रहा है कई सारे जिलों में हमने देखा। तो जौनपुर में अगर ये निगरानी जो है स्मिति, कमिटीज, यस, अगर ये कमिटीज अगर जारी हुई हुई है, तो बाकी जैसे बलिया में भी ऐसा ही हाल है कि नहीं? तो बलिया में जो है जैसे अगर बनारस और लखनऊ की बात करेंगे तो वहां थोड़ा सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन है क्योंकि वो अर्बन डिस्ट्रिक्ट है। रूरल में अभी आप जैसे जाएंगे मार्केट में जो लोग हैं अभी वो लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं है, लगता है बहुत नॉर्मल टाइम्स में हम जी रहे हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि वो कैसे ये जो गैदरिंग्स जो हैं या फिर कैसे डिस्टेंसिंग, जो सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं हम,
उसको कैसे एंश्योर करेंगे अगर इस तरह भीड़ लगती रही हॉस्पिटल्स के बाहर, और मास्क अगर लोगों ने अवॉइड किए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पूरी चेन को तोड़ना जो वायरस की अब बन चुकी है। युति आप जानती हैं और हमारे व्यूअर्स तो डेफिनेटली जानते हैं कि बलिया पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का नेटिव प्लेस है, तो यहाँ पर तो खैर बहुत अच्छा इंतजाम होना चाहिए था, लेकिन जैसे आप डिस्क्राइब कर रही हैं आपका ग्रीमिंग चिकित्सा सिचुएशन। काफी ग्रिम सिचुएशन है, तो मैं आपसे एक दो और सवाल आए हैं आपके लिए। जी एक सौम्या पूछ रहे हैं कि द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट इम्प्रूविंग इन इन एनी पार्ट ऑफ यूपी। सो सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आर गेटिंग इट फ्रॉम बिग डिस्ट्रिक्ट्स, फॉर एग्जांपल बाराबंकी, वो अयोध्या से अपना ऑक्सीजन सप्लाई अब पूरा कर रहा है। और जैसे बाराबंकी जौनपुर, जी, बाराबंकी जो है, जौनपुर के पास भी ऑक्सीजन वहाँ के डीएम का कहना है, बट लोग जो है फिर स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि होर्डिंग भी करनी शुरू कर दिया कि अगर मुझे हो गया, अगर मुझे कोविड हो गया तो मैं ऑक्सीजन कहाँ से लाऊंगा। तो पहले लोगों ने घरों में बंद करना चालू कर दिया है। तो ये ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो कॉम्प्लेक्स हो गई है, क्योंकि अगर अगर जिन लोगों को नॉर्मल सिम्टम्स हैं, माइल्ड हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो अगर वो ब्लैक में या फिर प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं जो जो अपने घर पे रख रहे हैं, उससे प्रॉब्लम हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन वो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में बेटर ट्रीटमेंट हो पाएगा, कोई ज्यादा जरूरतमंद है उसको मिल पाएगा। सो आप लोग जो है इस तरह होर्डिंग मत करो। लेकिन हॉस्पिटल्स में, जैसे बलिया वाले में, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, अभी 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 थोड़ी देर पहले यहाँ आई है, तो अभी उसको प्रोसेस में टाइम भी लगेगा। तो उस जी प्रोसेस में भी दो तीन पेशेंट जो क्रिटिकल हैं वो नहीं रहेंगे। अभी तो उसको बाहर वो टैंकर आया है, फिर उसको ये लगाएंगे, फिर पेशेंट्स को देना शुरू करेंगे। तो सिचुएशन तो खराब है ऑक्सीजन को लेके। और ज्योति, ये जो हमारा लाइव है आपके साथ, उसका हमने टाइटल दिया था कि टीचर्स डाइंग इन यू, जी तो ये जी थोड़ा सा बताइए कि ये जो अध्यापक है, क्या हो रहा है इनके साथ? जी तो ये पंचायत पोल्स जो है वो पहले से तय किए हुए थे, जब सेकंड वेव जो 10th और 11th अप्रैल को जब नंबर्स एकदम से ड्रास्टिकली बढ़ गए, तो फिर लगा कि पंचायत पोल्स का सेकंड फेज आने वाला है। 19th अप्रैल को सेकंड फेज था। उससे पहले बीजेपी के कई सारे लीडर्स ने ट्वीट किया था कि पोस्टपोन दिस इलेक्शन, मत कराइए, ये घातक होगा। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कुछ टिप्पणी की कि इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने इसको कराया। तो अभी कल जो है वो थर्ड फेज हुआ है पंचायत पोल्स का, 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, और बलिया भी उनमें से एक था जहां पर पोलिंग हुई है। और कल से ही बहुत सारे टीचर्स की एक कहते हैं कि मिस्टीरियस डेथ्स हो रही हैं। किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया, और बहुत सारा पैनिक भी क्रिएट हो चुका है टीचर्स के बीच में। एक दो टीचर्स से मिले जो कोविड पॉजिटिव होने के उनके पूरे चांसेस हैं, उनको सारे सिम्टम हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट आई नहीं है और उन्हें पोलिंग बूथ पर जाना पड़ा। सो कोविड पॉजिटिव टीचर्स की ड्यूटी भी लग गई। अब उन्होंने कितने सारे लोगों को जो है इन्फेक्ट किया होगा, बिकॉज दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, उनको तो ड्यूटी पर लगाया है तो उन्हें जाना भी पड़ेगा। तो हम ये स्टोरी फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली एक केस जौनपुर में हुआ कोविड जहाँ पर पॉजिटिव होने के एक बावजूद इन जी टीचर्स जी को पंचायत पोल की ड्यूटी पे जाना पड़ रहा है। जी क्योंकि उनकी रिपोर्ट आई नहीं थी। रिपोर्ट आने में यहाँ 5-5 दिन लग रहे हैं, तो रिपोर्ट आई नहीं है, आपको सिम्टम सारे हैं, तो आप कैसे, आप नहीं जाओगे। तो आपने ट्रेवल किया जहां पर आपकी पोस्टिंग है, वहां आपने पोल्स को कंडक्ट कराया और फिर आप वापस घर आए हैं, तो तो टीचर्स बहुत ज्यादा खत्म, चांस। जी टीचर्स खत्म भी हो रहे हैं क्या? जी, अभी तक अगर पूरे ओवरऑल यूपी का निकाला जाए इस सेकंड फेज और थर्ड फेज में, तो अराउंड 130 टीचर्स की डेथ हो चुकी है, जो इन पंचायत 130 टीचर्स। सो 130 टीचर्स की बहुत मिस्टीरियस डेथ्स हो रही हैं। सो जो यहाँ के जो यूनियंस हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट के या फिर स्टेट के, अब वो स्टेट वाले यूनियन ने तो लिखा है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को कि आप कंपनसेशन दीजिए, आप कुछ करिए। और जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो बहुत डिमोरलाइज होकर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देखिए कि बेड तो छोड़िए, आपको अटेंड भी नहीं किया जाएगा, यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है। तो इतनी खराब सिचुएशन में टीचर्स बहुत पैनिक में हैं, क्योंकि सबकी ड्यूटी लगी थी। तो सिचुएशन तो बड़ी खराब है। हम उन्हीं टीचर्स को ट्रेस कर रहे हैं जिनकी डेथ भी हो गई है, जिनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई थी और जो पंचायत पोल्स में शामिल भी हुए थे।
तो अभी और कितने फेजेस बाकी हैं इन पंचायत बोर्ड्स अभी वन मोर फेज बाकी है और इसको रद्द नहीं किया जा रहा है? जी, और इसका रिजल्ट आएगा 2 मई को। नहीं, तो ये जो पंचायत पोल है ये जी अभी रद्द नहीं किया जा रहा, जो नहीं बाकी नहीं बचा है जी वो? नहीं, क्योंकि 19 अप्रैल तक भी आपको पता चल गया था कि यूपी में जो है वो मोस्ट सेकंड मोस्ट अफेक्टेड स्टेट बनता जा रहा था, तो उस वक्त भी पोस्टपोन नहीं हुए, तो अब ये अब नहीं होगा, कंडक्ट होगा, और इस वजह से टीचर्स के बीच पैनिक फैला हुआ है। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स के लोग इसमें शामिल हैं जो पंचायत पोल्स को कंडक्ट कराते हैं, तो वो लोग भी बहुत ज्यादा एप्रीहेंसिव है। लोग बच रहे हैं कि जैसे तैसे बहाना मार के मैं पोल ड्यूटी में ना जाऊं और मैं बच जाऊं, सो ये सिचुएशन है ग्राउंड पे। तो सौरभ का ये सवाल था ज्योति कि हाउ मेनी टीचर्स हैव बिकम कैजुअलिटीज, जिसका आपने जवाब दे दिया है। तो जी, सौरभ, अराउंड 130 आंसर इज एज ऑफ नाउ। 130 टीचर्स, दैट्स अ जी, लॉट ऑफ पीपल। बट निशांत, दैट इज नॉट गवर्नमेंट्स डेटा, ये टीचर्स की यूनियंस का अपना डेटा है। गवर्नमेंट ने तो अभी उसको अक्नोलेज नहीं किया है कि कोविड डेथ्स हैं या नॉन कोविड डेथ्स हैं, क्योंकि जब तक आपके पास कोविड डेथ कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं है, आप काउंट नहीं किए जाएंगे कोविड डेथ में। सो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है। और कमल ये पूछ रहे हैं कि अब वेडिंग सीजन भी चालू हो गया है, जी, एक तरफ पंचायत अब पोल दूसरी तरफ शादी का माहौल। शादी तो अभी अभी नवरात्रि खत्म हुआ है, और लखनऊ में, बनारस में, जौनपुर में, और अभी अभी बलिया से ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ से कम 300-400 मीटर दूर एक टेंट लगा हुआ था, वो वहां शादी हो रही है। तो अब ये डिफाइनिंग इमेजेस हो जाती हैं कोविड के सेकेंड वेव की, कि एक तरफ यहाँ लाशें हैं अंदर, लोग मर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक सेलिब्रेशन भी हो रहा है कि कोरोना वायरस को उतना गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, कि शादी में फैलेगा नहीं फैलेगा, ये ट्रुथ है। तो लोग जो मास्क लगा रहे हैं शादियों में, आप गए उधर शादी पंजाब में में गए थे? जिस होटल में हम रुके हुए हैं बनारस में, उस होटल में ही एक बंगाली परिवार की शादी है, और वहां पे अराउंड 100 लोग इकट्ठा हुए हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और बहुत ही ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि डेस्पाइट बनारस इतना कोविड का हॉटस्पॉट बना हुआ है, 4 सिटीज सबसे बर्डन सिटीज में से है, वहां शादियां हो रही हैं, और बलिया में भी इतने ज्यादा केसेस अब निकलना शुरू हो चुके हैं और शादियां रुक नहीं रही हैं। और शादी में आप मास्क हटाकर ही बात करते हैं, डांस कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और एक साथ 100-150 लोगों की जो गैदरिंग है वो फिर सुपर स्प्रेडर बन के निकलती है। और बहुत सारे केसेस आए हैं, लोकल मीडिया ने रिपोर्ट भी किए हैं कि दूल्हा दुल्हन के समेत, मतलब के साथ साथ बाराती भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। सो ये एक बड़ा इशू क्रिएट होने वाला है। और निशांत ये पूछ रहे हैं ज्योति कि इज इट जी पॉसिबल एक्चुअली टू स्टॉप माइग्रेटिंग लेबर? अगर शहर से लोग अपने घर वापस आना चाहते हैं तो उनको हाँ, तो रोक नहीं सकते ना, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। सो होली के लिए तो आप या तो आप उनकी स्क्रीनिंग कर सकते थे, या जैसे कुंभ से वापस आए उन लोगों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग भी कर सकते थे, उस वक्त आपके पास थोड़ा मौका था, लेकिन उनको आपने फ्रीली जाने दिया। अब आपको पता ही नहीं है कि कितने गांव में कितने लोग कहाँ से आए थे। अब आप डेटा इकट्ठा करेंगे, फिर उनकी टेस्टिंग करेंगे, फिर 5-5, 7-7 दिन में रिपोर्ट आएंगी, और फिर जब तक तक तो कोरोना बहुत ज्यादा फैल चुका होगा ना। उसके अलावा जो पंचायत पोल्स थे वो अवॉइडेबल थे, आप इनको पोस्टपोन करा सकते थे। तो जो लोग सिर्फ वोट करने के लिए बुलाए गए हैं, सिर्फ वोटिंग के लिए जो यहाँ आए हैं, वो नहीं आ पाते। क्योंकि और ये जो थर्ड सेकेंड लॉकडाउन जो हुआ है, जो दिल्ली, जी मुंबई और बड़े शहरों में हाँ जो कर्फ्यू लगा सो है, so, तो काफी हाँ लोग अपने गांव में वहां वापस। से, हाँ, रात भर जैसे हम जाते हैं बस स्टैंड पे, तो देखते हैं कि बसेस भर भर के आ रही हैं, जिप्सी भर भर के आ रही हैं, तो लोग अभी भी मतलब कंटिन्यूअसली आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं। वो जो जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का, वो रुका नहीं है, और उनमें से बहुत सारे लोग मास्क, अब कोई ट्रेवल कर रहा है तो उसमें कितना मास्क पहनेगा जब इतनी भीड़ में वो आ रहा है। तो ये तो बहुत, आप किस तरह से इस वायरस से एस्केप कर पाओगे। तो रोहित का ये सवाल है कि हैव एनी ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज अपील्ड टू द चीफ मिनिस्टर, टू योगी आदित्यनाथ, टू स्टॉप द हाँ, पंचायत पोल्स? बहुत सारे लोगों ने ट्वीट तो किए थे, बट द पॉइंट इज यहाँ के चीफ मिनिस्टर और जो जो मेन अपोजिशन लीडर है अखिलेश यादव, बहुत सारे लीडर्स, बीजेपी के कई सारे लीडर्स की डेथ भी हो गई कोविड से, जो पंचायत पोल्स में कई सारे जो कैंपेनिंग के लिए गए थे, वो बहुत सारे कैंडिडेट्स की भी डेथ हो रही है अभी कोविड से। तो यहाँ का जो अपोजिशन और जो लीडरशिप है वो ही क्वारंटाइन है, तो किससे कौन अपील करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए थोड़ा लीडरलेस और डायरेक्शनलेस भी फील कर रहे हैं। जैसे कई सारे ब्यूरोक्रेट से बात हुई, तो सिर्फ वीसी से काम चलाया जा रहा है, कि वीसीज हो रही हैं बहुत सारी, दिन में नहीं तो तीन तीन चार लीडरलेस चार लीडरलेस क्यों है, लीडरलेस क्यों फील? बिकॉज़ बिकॉज़
यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं एसपीज और डीएम्स को, वो ट्विटर का एक ट्वीट आता है, जैसे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से एक एक ट्वीट आएगा 4 लाइन का, वो वही नोटिफिकेशन के तौर पे माना जाता है, लेकिन उसको ना हॉस्पिटल्स फॉलो करते हैं। अब हॉस्पिटल आप जाएंगे तो कहेंगे दिखाइए नोटिफिकेशन, सो आप उसको जो पेशेंट का जो अटेंडेंट है क्या वो ट्वीट दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा? तो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि ऑर्डर कहाँ है। ऑर्डर ट्विटर पे है सिर्फ 4 लाइन का, और इन रियलिटी जो ग्राउंड पे है वहां कोई ऑर्डर भेजा ही नहीं गया सीएम ऑफिस से। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है ये इसको एड्रेस करना पड़ेगा। आइदर आप थोड़ा कोई सा ना, ये आप मुझे थोड़ा सा और समझा सकती हैं जी, कि योगी आदित्यनाथ? फॉर हाँ ठीक एग्जाम्पल जो बताइए बताइए। सीएमओ रेफरेंस लेटर था, जो कहा गया कि हॉस्पिटल्स एडमिट करेंगे कोविड पॉजिटिव को भी, और जो सिम्टोमेटिक हैं और जो कोविड नेगेटिव आ रहे हैं उनको भी। सीएमओ लेटर को 15 दिन हो गए थे हटाए हुए, उसका जो ऑब्लिगेशन था मैंडेटरी उसको हटा दिया कि नहीं है। बट ऑन ग्राउंड लखनऊ बनारस किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, बिना सीएमओ के लेटर के रेफरेंस के कोई हॉस्पिटल आपको एंट्री कराएगा ही नहीं। सो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ क्योंकि तो ट्विटर पे एक दो मिनट तीन ज्योति, एक मिनट, अगर आप बनारस में या बलिया में या जौनपुर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो जी उनको भी सीएमओ की लेटर की यानी चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से, नो चीफ, नो नो चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये सॉरी आई एम सो सॉरी, चीफ यस मेडिकल ऑफिसर की लेटर की जरूरत है? जी। अब इन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रिक्ट्स ने क्या किया है कि इन्होंने अपने कोविड कमांड सेंटर बनाए हैं, उसमें सीएमओ भी होता है, सीडीओ भी होता है, डीएम भी, और बाकी सारे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अपने हेल्पलाइन नंबर्स इन्होंने जारी किए हैं, पेशेंट के फैमिली वाले उस हेल्पलाइन पे फोन करेंगे, कंडीशन बताएंगे क्रिटिकल है नहीं है, और वो जो सीएमओ ऑफिस है वो उस क्रिटिकल उस पेशेंट की हालत को देख के उसको रेफर करेगा। सो इसमें कई बार ये भी होता है कि अगर सीएमओ ऑफिस के पास किसी वीआईपी या किसी किसी बाहुबली या किसी नेता के घर से फोन गया और वो पेशेंट, ये शिकायत कई जगह से आई, तो उसका जो नॉर्मल पेशेंट है वो भी बेड जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो मर जाते हैं बेड के इंतजार में क्योंकि सीएमओ से उन्हें परमिशन नहीं मिली। सीएमओ के जो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहना है कि हमने रेगुलेट करने के लिए किया है कि प्राइवेट वाले जो हैं वो ज्यादा पैसे चार्जेस ना करें, या फिर वो जो है ना एक कियोस ना क्रिएट कर दें, इसलिए हमने रेगुलेटरी तौर पे हमने ये जो सीएमओ ऑफिस से एक गाइडलाइन बनाई है कि हम बताएंगे इस पेशेंट को आपको एडमिट करना है तो आप करिए। तो अब ये इस तरह से फंक्शन कर रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप बलिया में या बनारस में या कहीं भी हो, आपको उस सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर की लेटर की जरूरत है। जी, अब सीएमओ लेटर आप कह रही सीएमओ के थी कि ऑफिस इसको में रद्द किया गया, ये रद्द किया गया था, जी ये कैंसिल कर दिया था लेकिन उसके बावजूद फिर भी लोग मांग रहे हैं कि अगर आप जी। सीएमओ का लेटर हाँ नहीं जी है तब तक आपका जी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। हाँ, बिकॉज देर वर नो क्लियर गाइडलाइंस की कोई नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट जिस तरह से पेपर पे काम करती है आपको नोटिफिकेशन भेजती है हर डिस्ट्रिक्ट में, वैसा हो नहीं रहा है। अब सिर्फ एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट कोई कोई डिस्ट्रिक्ट मानता है कोई नहीं मानता है, तो इससे बहुत ज्यादा वो कंफ्यूजन की और पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है क्योंकि फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, वो पहले डीएम आवास भागते हैं, कभी हॉस्पिटल भागते हैं, कभी कोविड कमांड सेंटर, तो दे रियली डोंट नो कि किसको अप्रोच करें। हमारा पेशेंट जो है वो 60 पर आ गया है उसका ऑक्सीजन लेवल, तो हम पहले कहाँ जाए, हॉस्पिटल जाए कि कोविड कमांड सेंटर जाए, तो फिर उस पैनिक में वो अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं और फिर वो डॉक्टर से उनका जो है झगड़ा हो रहा है और मार पिटाई के केसेस आने लगे हैं, तो मॉब मेंटेलिटी भी बनती जा रही है अचानक से। आखिरी दो सवाल आपके लिए ज्योति। एक तो रोहन पूछ रहे हैं कि ये क्या, ये जो सारी आपने सिचुएशन डिस्क्राइब करी, तो क्या एंटी बीजेपी सेंटिमेंट इस आपको दिखाई दे रहा है? और दूसरा थोड़ा सवाल जी ये है सक्षम की तरफ से कि कैन वी एक्सपेक्ट अ कंप्लीट लॉकडाउन इन यूपी ऑल्सो? जी राइट नाउ लोग अपने मरते हुए पेशेंट को बचाने में ज्यादा वो ग्रीफ में है, वो अभी ये पोलिंग वाला तो सेकंड क्वेश्चन होता है कि हम वोट नहीं करेंगे या एंटी बीजेपी सेंटिमेंट है भी, लेकिन राइट नाउ हॉस्पिटल के बाहर आप उनसे ये नहीं पूछ सकते ना कि आप बीजेपी को वोट करेंगे जी या आपके इलेक्शन पे क्या। आप बट समटाइम्स जब आप शमशान घाट पे जाते हो, जब वो अपने अपने लव्ड वंस को बाय कह चुके होते हैं, वहां वो फ्रस्ट्रेटेड बैठे होते हैं, देन दे स्टार्ट यू नो टेलिंग यू कि मैं क्या सोचता हूँ, इस गवर्नमेंट ने मुझे किस तरह से अपने ऊपर मतलब मेरे अपने हाल पे छोड़ दिया है, तो वो डिवेस्टेटेड फील करते हैं एकदम, उनको बहुत ही चीटेड भी फील होता है कि हमने इतनी गुहार लगाई, इतने लोगों को फोन किया और किसी ने भी एक भी पर्सन ने हेल्प नहीं की, तो ये फीलिंग अभी ग्राउंड पे है। और एंड सेकंड लॉकडाउन का कोई जी कुछ लॉकडाउन का खबर? है कि
जैसे अगर मैं अपने ही जो ड्राइवर हेल्प है उनकी बात करूं, लास्ट टाइम उनके पास 9 महीने तक कोई काम ही नहीं था, और जैसे ही मैं उनसे पूछती हूँ, जो वर्किंग क्लास है, जैसे ही लॉकडाउन की बात आती है तो वो ऑलरेडी वर्किंग क्लास एकदम पॉवर्टी लाइन पे चले गए हैं। उनके लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर लॉकडाउन लग गया तो बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, वो भी डिजास्ट्रस होने वाला है। मे बी इसलिए यूपी गवर्नमेंट जो है वो पंचायत पोल्स को प्रायोरिटी पे रख के लॉकडाउन नहीं लगा रही है, और हो सकता है वो लगा भी नहीं, जैसे ही रिजल्ट आते हैं, जैसे ही चीजें मैनेज होती हैं पॉलिटिकली, उसके बाद मे बी एक एक फीलिंग है, मतलब एक सर्टेन फीलिंग है जो अमंग सिटीजन्स की, लॉकडाउन उसके बाद लगेगा, बट अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है। राइट चार जो मेजर सिटीज में तो जी, चार मेजर सिटीज जहाँ पे कोविड के केसेस सबसे ज्यादा है वहां पर वीकेंड लॉकडाउन लगता है, बाकी जो 4-5 दिन है वहां पे नॉर्मल चलता है। ज्योति, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. व्यूअर्स, यू हैव सीन हाउ दिस वेरी वेरी ग्रिम सिचुएशन अनफोल्डिंग इन उत्तर प्रदेश. ज्योति हैज जस्ट डिस्क्राइब टू यू द सिचुएशन इन स्मॉलर टाउन्स लाइक बलिया, जौनपुर, and even Banaras. Banaras is supposed to be a bigger city, much bigger than Balia, for example. But the situation is not good in Uttar Pradesh. We'll be following the Prince reporters who have fanned out across the country covering the COVID-19 pandemic. So please join us every evening at 5 o'clock for this live, and you're watching Eyewitness.